नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। छिंदवाड़ा सोमवार देर रात थाना कुंडीपुरा पुलिस की टीम ने घाट परासिया के पास बालाघाट के तीन शिकारियों को बाघ की खाल और दो दांतों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर घाट परासिया से लगे ढाबे के पास बाइक में सवार शिकारियों को दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से बाघ की खाल और दो दांत जब्त किए गए। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को पकड़ कर थाने लाया गया, जहां शिकार बाघ की खाल और दांतों के संबंध में आरोपियों से पूछताछ की गई। तीनों आरोपी बालाघाट के किरनापुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा देर रात तक आरोपियों से सघन पूछताछ की गई। प्रेस वार्ता के दौरान छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ की खाल और दांतों की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एक अत्यंत संवेदनशील प्रकरण के संबंध में आप लोगों को आज यहां पर आमंत्रित किया गया है। कल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बाघ की त्वचा टाइगर स्किन के साथ और उसके कुछ अन्य अवशेषों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और उस पूरी सामग्री को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने दो तीन पार्टियां बनाई और उनकी घेराबंदी करने का और उनसे संवाद स्थापित करके उनको अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास शुरू किया। और इस पूरे प्रयास के क्रम में कल शाम को पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब तीन आरोपियों के साथ पुलिस को ये टाइगर स्किन, उसके कुछ नाखून, दांत और कुछ हड्डियां इत्यादि जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपियों द्वारा इस पूरी सामग्री को लगभग 10 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए उन्हें बेसिकली पुलिस की ही हमारे अधिकारियों ने ट्रैप करने का एक पूरा जाल बुना था और उसमें सफलता प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस पूरे बाघ स्किन और इस तमाम सामग्री की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आती जा सकती है। तो इस प्रकार से वन्य जीवन सुरक्षा और वन्य पर्यावरण की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं उसको लेकर जल छिंदवाड़ा पुलिस को एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है और इस संबंध में पुलिस ने तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम धनेंद्र तेगाम, परदेशी उल्के और अरविंद मड़ामी, ऐसे तीन लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। इनके साथ एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। दो अन्य लोगों के नाम पूछताछ में भी सामने आए हैं जिनकी भी पहचान हो गई है और जल्दी हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार से इस पूरे गिरोह में जो लोग शामिल थे उनकी पहचान हो गई है, तीन लोग गिरफ्तार हो गए हैं और ये टाइगर स्किन भी पुलिस ने जब्त कर ली है। आगे इसकी कार्रवाई अपराध दंडबद्ध करके की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो शिकार दिया गया था।